पिछले कुछ दिनों से गुल्ली बुली और सोन बहुत ही बोरिंग जिंदगी गुजार रहा है और सब कंप्यूटर में गेम खेल खेल कर भी पक चुके हैं, इसीलिए तीनों यूं ही निठल्ले बैठे हुए हैं। तभी बुल्ली सोन को पूछता है, अरे सोन, घर पे कुछ पढ़ाई लिखाई करते हो या नहीं, या ऐसे ही निठल्ले बैठे रहते हो? तब सोन कहता है, यार बुल्ली, मुझे पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं, पता नहीं किसने बनाई है ये पढ़ाई लिखाई। सोन, अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छा नौकरी कैसे मिलेगा, और अगर तुम्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिली तो तुम्हें सड़क में भीख मांगना पड़ेगा। तभी गुल्ली कहता है, कोई बात नहीं सोन, हम तुम्हें एक कटोरी दे देंगे जिससे तुम आराम से भीख मांग सकते हो। तभी सोन बोला, यार गुल्ली बुल्ली, और ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, आज से मैं अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करूंगा, फिलहाल तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। यार गुल्ली, कुछ खाने को लाओ, पेट में चूहे फुदक रहा है। गुल्ली कहता है, भूख तो मुझे भी लगी है सोन, पर घर पे खाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि सारा खाना तो तुम दोपहर को ही खा चुके हो। तभी बुल्ली कहता है, यार सोन, तुम्हें इतना क्यों भूख लगती है, और इतना खाना खाते हो फिर भी लंगूड़ों जैसा दिखते हो? यार थोड़ा डोले सोले बनाओ, थोड़ा डाइट वाइट करो, सिर्फ खाना खाने से ही कुछ नहीं होता है। तभी सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली, ज़्यादा खाऊंगा तभी तो ताकतवर बनूंगा, बहुत ताकत है मेरे अंदर, मैं तुम दोनों को यूं ही पटक सकता हूँ। गुल्ली बोला, अगर ऐसी बात है तो सोन, जाओ तुम बुल्ली का वो डंबल उठाकर दिखाओ तो मानूं मैं तुम्हें। सोन बोला, हाँ अभी उठाकर दिखाता हूँ। अरे ये क्या, सोन डंबल उठाते ही लुढ़क गया, और फिर गुल्ली दौड़ते हुए सोन के ऊपर चढ़ जाता है। फिर क्या, बुल्ली भी एक जंप लगा देता है। सोन कहता है, यार गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों बच्चे की जान लोगे क्या, उठो उठो। इसी तरह मौज मस्ती करने के बाद तभी किसी का कॉल आता है। बुल्ली कॉल पे बात करते हुए कहने लगा, हेलो, हाँ डेविड, हाँ क्या बात है, हाँ यहाँ पे गुल्ली और सोन भी है, हाँ जरूर जरूर, क्या अभी, हाँ ठीक है जरूर जरूर जरूर, मैं अभी गुल्ली और सोन को बता देता हूँ। बुल्ली फोन कट कर देता है। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, क्या हुआ बुल्ली, किसका कॉल था? बुल्ली बोला, अपना पुराना दोस्त डेविड का कॉल था गुल्ली, वो हम सबको पिरामिड देखने के लिए इजिप्ट घूमने बुला रहा है, क्योंकि वो एक नया घर में शिफ्ट हुआ है और उसके घर के थोड़ी ही दूरी में इजिप्ट है। ये सुनकर सोन बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से बंदर की तरह उछलने लगता है। गुल्ली कहता है, ये बंदर की तरह उछलना बंद करो और जल्दी जाओ, तैयार हो, हमें जल्दी निकलना है, वरना मैं और बुल्ली तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, फिर यहाँ पे रोते रहना। सोन बोला, गुल्ली तुम बहुत ही कमीने हो गए हो, गुल्ली बुल्ली तुम दोनों चिंता मत करो, तुम दोनों से पहले ही मैं तैयार हो जाऊंगा। गुल्ली गुल्ली और सोन खुशी खुशी इजिप्ट घूमने जा रहा है, पर इन सबको नहीं पता वहाँ कितनी बड़ी मुसीबत आने वाला है। गुल्ली गुल्ली और सोन अपने दोस्त डेविड के घर पहुंचते ही गुल्ली कहने लगा, यार डेविड, चल तू भी आजा गाड़ी में, सब मिलकर पिरामिड देखने चलते हैं। तभी डेविड ने कहा, यार गुल्ली गुल्ली और सोन, पहले आओ घर में, आओ फ्रेश हो जाओ, फिर निकलते हैं।
पर तभी सोन और गुल्ली जीत करने लगा। यार डेविड तू आना, पहले हम लोग पिरामिड देखेंगे फिर जो करने का करेंगे। चल आता, तू भी गाड़ी में बैठ जा। और फिर सभी पिरामिड की तरफ जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद इजिप्ट पहुंच जाते हैं। पिरामिड बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है, लेकिन दोस्तों ये पिरामिड दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय और खतरनाक है। पिरामिड बहुत ही सुंदर होता है इसीलिए सब पिरामिड देखने लगता है। तभी सोन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई सोन को अपने तरफ बुला रहा है। सोन उस आवाज की तरफ जाने लगा। सोन आगे चलकर देखने लगा कि आखिर कौन उसे बुला रहा है। और इधर गुल्ली गुल्ली और डेविड का ध्यान पिरामिड घूमने में है, इसीलिए कोई ध्यान नहीं देता कि सोन कहाँ जा रहा है। और आवाज़ की तरफ बढ़ते बढ़ते सोन एक खुफिया कमरे में पहुँच जाता है। तभी सोन सोचता है, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो कमरे में इतना ताले और जंजीरों से बंधा हुआ है, और सोन को आवाज़ इसी कमरे से सुनाई दे रहा है। तभी सोन कमरे के अंदर जाने के लिए आसपास देखने लगा कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। तभी सोन को एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है, पर यह खिड़की तो कुछ ज़्यादा ही छोटा है। सोन अंदर घुसेगा कैसे? फिर भी सोन किसी तरह उस खिड़की से ही अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। और उसी वक्त सोन को ढूंढते हुए डेविड भी वहां आ जाता है। और सोन को ऊटपटांग हरकत करता देख डेविड कहता है, सोन तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? तुम ये क्या कर रहे हो? सोन बोला, डेविड मैं इस कमरे में जाकर देखना चाहता हूँ आखिर इस कमरे में क्या है जो इतनी ताले और जंजीरों से बंधा हुआ है। सोन का ये सब हरकतें करता देख डेविड सोचने लगा, लगता है सोन का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया है इसलिए वो ऐसा हरकतें कर रहा है। डेविड सोन को वापस आने के लिए कहता है, सोन वापस आ जाओ, अंदर मत जाओ, अंदर खतरा हो सकता है, सोन तुम वापस आ जाओ प्लीज। पर सोन डेविड का एक नहीं सुनता, इसीलिए डेविड गुल्ली बुल्ली को बुलाने जा रहा है। और इधर सोन कमरे में घुस चुका है। तभी वहां एक ताबूत के पास सोन को एक किताब दिखाई देती है। सोन उस किताब को लेकर पढ़ने लगता है। हदिंगुनो से कुजी माओ को मा उन्नी हाओ ही। अरे सोन ये क्या पढ़ रहा है? पर सोन को ये नहीं पता कि सोन ये किताब पढ़कर कितनी बड़ी गलती कर रहा है। और किताब को पढ़ते ही अचानक ताबूत के अंदर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है। और इधर डेविड गुल्ली बुल्ली को लेकर सोन के पास ही आ रहा है। और तभी ताबूत खुल जाता है और अंदर से एक मम्मी बाहर निकलता है। झपट पड़ा तो और इधर गुल्ली बुल्ली और डेविड सोन को बचाने के लिए दौड़ने लगता है।
गुल्ली गुल्ली और डेविड उसी कमरे की बाहर खड़ा हुआ है। तभी गुल्ली कहता है, अरे ये कमरा तो ताले और जंजीरों से बंधा हुआ है, सोन अंदर गया कैसे? तभी डेविड ने कहा, अरे गुल्ली, सोन इस छोटी सी खिड़की से अंदर गया है। मैंने जब उसको देखा था तो वो इस खिड़की पर लात मार रहा था ताकि वो खिड़की टूट जाए, और मुझे पक्का पता है सोन इसी खिड़की से अंदर घुसा है। और तभी गुल्ली बुल्ली उस छोटी सी खिड़की से देखने लगा कि आखिर सोन अंदर क्या कर रहा है। तभी गुल्ली बुल्ली ने देखा कि ताबूत खुला हुआ है और मम्मी सोन की ऊपर चढ़ा हुआ है, जैसे कि मम्मी सोन को मारना चाहता है। तभी डेविड कहता है, गुल्ली बुल्ली जल्दी कुछ करो वरना ये मम्मी सोन को मार देगा। बुल्ली कहता है, डेविड तुम जल्दी से वार्कर को ले आओ जिसके पास इस कमरे की चाबी है, हम किसी तरह सोन को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर बुल्ली किसी तरह उस छोटी सी खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता है, पर बुल्ली को थोड़ा जल्दी करना होगा वरना मम्मी सोन का काम तमाम कर देगा। खैर बुल्ली तो किसी तरह कमरे में घुस गया, लेकिन ये क्या, गुल्ली तो उस छोटी सी खिड़की में फंस चुका है। तभी गुल्ली को बुलाने लगता है, अरे बुल्ली मुझे अंदर तो खींच लो। तभी बुल्ली सोचने लगा कि पहले सोन को बचाऊं या फिर गुल्ली को अंदर खींचूं। तभी बुल्ली फैसला करता है कि पहले सोन का जान बचाना जरूरी है। तभी बुल्ली आसपास देखने लगा, उसे एक हथौड़ा दिखाई दी और बुल्ली उस हथौड़े से मम्मी पर वार कर देता है, और वो हथौड़ा जाकर मम्मी की खोपड़ी में लगता है जिससे कि मम्मी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और इधर डेविड वार्कर के पास पहुंच जाते हैं और फिर डेविड वार्कर को सब बातें बताने लगता है। डेविड के सारे बातें सुनने के बाद वार्कर चाबी लेकर तुरंत उस कमरे की तरफ जाने लगता है। मम्मी बुल्ली पे हमला करने जा ही रहा था, तभी गुल्ली एक औजार से मम्मी पर हमला करने जाता है। तभी वहाँ एक जादुई रोशनी आता है और मम्मी सोन को उठाकर रोशनी के अंदर चला जाता है, और ये सब इतनी जल्दी होता है कि गुल्ली गुल्ली को सोन को बचाने का मौका ही नहीं मिलता। तभी वहां डेविड वार्कर को लेकर पहुंचता है और वार्कर गुल्ली गुल्ली को कमरे में देखकर भड़क जाते हैं और गुस्से से चिल्लाने लगता है, तुम लोग इसके अंदर कैसे पहुंचे, क्यों आए इसके अंदर, कहां से घुसे, यहां पे तो इतने सारे ताले लगा हुआ था, चलो फौरन यहां से बाहर निकलो। और तुम तो कह रहे थे यहां किसी की जान खतरे में है, मगर यहाँ तो ऐसी कोई नहीं है, आइंदा अगर ऐसा मजाक किया तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, चलो तुम सब अभी बाहर निकलो। इस वार्कर की बातें सुनकर गुल्ली गुल्ली और डेविड कमरे से बाहर निकल जाता है। पर वार्कर को ये सब पहले से ही पता था कि ये कमरा बहुत ही खतरनाक है। और तभी उस वार्कर की नज़र वो खुला हुआ ताबूत पर पड़ी। तभी और इधर गुल्ली बुल्ली और डेविड
गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं और तीनों बहुत ही परेशान है। डेविड गुल्ली बुल्ली को पूछता है, आखिर सोन गायब हुआ कैसे? बुल्ली बोला, डेविड वो मम्मी सोन को लेकर एक जादुई रोशनी में गायब हो चुका है, और ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि हमें सोन को बचाने का मौका ही नहीं मिला। तभी डेविड कहता है, गुल्ली बुल्ली अब हम लोग सोन को कैसे बचाएंगे? तभी बुल्ली कहता है, डेविड वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तभी गुल्ली कहता है, तो बुल्ली अब हम लोग क्या करें? तभी बुल्ली कहता है, अभी इस मुसीबत से तो सिर्फ हमें बाबा ही निकाल सकता है। गुल्ली कहा, अरे हाँ बुल्ली तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें फौरन बाबा के पास चलना चाहिए। तभी डेविड कहने लगा, अरे गुल्ली बुल्ली तुम किस बाबा की बात कर रहे हो? तभी गुल्ली कहा, अरे डेविड तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। डेविड मैं और बुल्ली बाबा के पास जा रहे हैं, तुम घर चले जाओ। तभी डेविड कहता है, नहीं गुल्ली मैं भी तुम दोनों के साथ आऊँगा, क्योंकि सोन मेरा भी दोस्त है और उसे ढूंढना मेरे भी फर्ज बनता है। गुल्ली कहा, नहीं नहीं डेविड तुम यहाँ रहो। अरे गुल्ली आने भी दो उसे, चल डेविड तू भी आ जा, गाड़ी में बैठ जा। बाबा की घर पहुंच जाते हैं। गुल्ली बाबा को बुलाने लगता है, बाबा आप कहाँ हो, घर से बाहर निकलो बाबा। अरे गुल्ली देखो बाबा की घर में तो ताला लगा हुआ है। अरे बुल्ली हाँ तुम तो सही कह रहे हो, घर पे ताला लगा हुआ है, मतलब बाबा घर पे नहीं है। अरे ये क्या, बाबा तो घर पे नहीं है। बाबा के घर पर ताला देखकर गुल्ली बुल्ली और डेविड बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी डेविड कहने लगा, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली, हम सोन को उस मम्मी से कैसे बचाएंगे? बुल्ली कहता है, डेविड बाबा घर पे नहीं है, अब हमें ही कैसे भी करके सोन को ढूंढना होगा। गुल्ली बोला, तुम सही कह रहे हो बुल्ली, पर हम सोन को ढूंढेंगे कैसे? वो मम्मी पता नहीं सोन को लेकर कहाँ गायब हो गई, हमें तो कुछ पता भी नहीं है। बुल्ली बोला, मुझे लगता है हमें फिर से उस कमरे में चलकर देखना चाहिए गुल्ली, शायद हमें उस कमरे से मम्मी और सोन तक पहुंचने का कोई सुराग मिल जाए। डेविड कहने लगा, शायद तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, हमें उस कमरे में फिर से चलकर देखना चाहिए। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और डेविड फिर से उस पिरामिड की कमरे में जाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर ये किया, गुल्ली अचानक से रुक क्यों गया, और गुल्ली फिर से बाबा के घर की तरफ क्यों जा रहा है? गुल्ली कहने लगा, तुम कहाँ चले गए थे? चलो अब गाड़ी में बैठो, हमें पिरामिड भी पहुंचना है। पता नहीं वो वार्कर ने कमरे में और कितने सारे ताला लगा दिए होंगे। आखिरकार गुल्ली बुल्ली और डेविड फिर से पिरामिड की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन गुल्ली बुल्ली और डेविड अब कितनी बड़ी मुसीबत के तरफ जा रहा है तीनों इस बात से अनजान है। उस कमरे में पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली और डेविड हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कमरा ऐसे ही खुला था और कमरे में वार्कर की लाश पड़ी हुई थी।
ये देखकर डेविड कहने लगा, मम्मी ने तो इस वारकार को भी मार दिया गुल्ली गुल्ली। पता नहीं मम्मी ने सोन का क्या हाल किया होगा। बुल्ली बोला, फिकर मत करो डेविड, हम सोन को ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हमें इस कमरे की अच्छे से तलाशी लेनी होगी, क्योंकि ऐसी कुछ तो राज है जो इस कमरे में छुपी है। और फिर गुल्ली गुल्ली और डेविड कमरे की छानबीन करने लगता है। तभी बुल्ली का ध्यान ताबूत के पास रखी किताब पर पड़ती है, जिसे गलती से पढ़कर सोन ने मम्मी को जिंदा किया था। बुल्ली उस किताब को देखने लगता है। तभी डेविड के पैर किसी चीज से टकरा जाती है और वो एक मूर्ति के ऊपर जा गिरता है, जिससे कि खुल जाती है एक और रहस्यमय दरवाजा। ये देखकर गुल्ली कहता है, एक और खुफिया कमरा। यार बुल्ली, इस पिरामिड में पता नहीं और ऐसी कितनी खुफिया दरवाजा छुपी हुई है। बुल्ली कहता है, डेविड, गुल्ली, चलो देखते हैं इस कमरे में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इस तरह से छुपाई गई है। अरे ये क्या, कमरे में तो कुछ भी नहीं है सिवाय एक आईना की। गुल्ली गुल्ली और डेविड उस आईने की तरफ जाने लगते हैं और उस आईना को देखने लगता है, क्योंकि ऐसी अनोखी आईना इन सब ने पहले कभी नहीं देखे थे। डेविड उस आईना को छूने की कोशिश करता है और तभी ये देखकर गुल्ली बुल्ली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। गुल्ली कहने लगा, लगता है ये एक जादुई आईना है बुल्ली, जिस राज को हम ढूंढ रहे थे शायद ये वही है। फिर बुल्ली कहता है, तुमने सही कहा गुल्ली, हमें भी इस जादुई आईना की दुनिया में जाना होगा और डेविड और सोन को वापस लाना होगा, पर उससे पहले मुझे लगता है हमें कुछ हथियार साथ में ले लेनी चाहिए, क्या पता कोई दुश्मन हम पर हमला कर दे। तभी गुल्ली गुल्ली कमरे में पड़ा खंजर उठा लेता है और फिर गुल्ली बुल्ली भी पहुंच जाते हैं जादुई आईने की दुनिया में। वहां पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली ने देखा कुछ मम्मियों ने डेविड को चारों तरफ से घेर लिया है। तभी गुल्ली बुल्ली को देखकर दो मम्मी गुल्ली बुल्ली की तरफ आने लगता है। फिर गुल्ली गुल्ली और मम्मी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इधर दो मम्मी डेविड को घीचते हुए ले जाने लगती है। अरे नहीं, मम्मी तो डेविड को लेकर दीवार के उस पार चला गया। और ये क्या, गुल्ली गुल्ली तो दीवार के उस पार जा ही नहीं पा रहा है। तो गुल्ली गुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सारे मम्मियाँ आखिर गायब कहाँ हो जाती है और सब सोन और डेविड को आखिर कहाँ लेकर गया है। जो भी हो, सोन और डेविड को ढूंढने के लिए पहले गुल्ली बुल्ली को इस जगह से निकलना होगा, पर गुल्ली बुल्ली इस दीवार को पार क्यों नहीं कर पा रहा है। पता नहीं जादुई आईने ने गुल्ली बुल्ली को एक कौन सी दुनिया में ले आया। गुल्ली ने कहा, अब क्या होगा बुल्ली, यहाँ से हम कैसे निकलेंगे। बुल्ली बोला, फिकर मत करो गुल्ली, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है।
अरे ये तो किसी के हाथ के निशान है। बुल्ली उस निशान पर अपना हाथ रखने जा ही रहा होता है। रुक जाओ बुल्ली, पता नहीं ये किसके हाथों के निशान है, हो सकता है इसे छूने से हम और मुसीबत में पड़ जाए। बुल्ली कहता है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है बुल्ली। अगर हमें सोन और डेविड को ढूंढना है तो हमें ये रिस्क उठाना पड़ेगा बुल्ली। ये कहकर बुल्ली उस निशान के ऊपर अपना हाथ रख देता है और फिर वहाँ एक जादुई रोशनी आता है और फिर गुल्ली बुल्ली एक जादुई रोशनी के अंदर चला जाता है। उस रोशनी से बाहर निकलने के बाद कुछ देर तो गुल्ली बुल्ली बेहोश रहता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली को होश आ जाते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली कहाँ आ पहुंचा? तभी गुल्ली बुल्ली ने देखा, अरे आगे तो आग का मंसर है और पीछे खाई। ये देखकर गुल्ली ने कहा, बुल्ली ये हम कहाँ आ गए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। बुल्ली ने कहा, पता नहीं गुल्ली, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर लगता है हमें इस आग के दरिये को पार करना होगा क्योंकि हम पीछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे तो खाई है और हम सोन और डेविड को लिए बिना भी यहाँ से नहीं जा सकते। गुल्ली वो देखो, इस आग का दरिये को पार करने का रास्ता। गुल्ली बोला, अजीब मुसीबत है बुल्ली, पीछे खाई और आगे आग का दरिया, पता नहीं ये आईना की दुनिया हमें कहां तक ले जाएगी और हम सोन और डेविड को ढूंढ पाएंगे भी या नहीं। बुल्ली बोला, गुल्ली सोन और डेविड को हम ढूंढ लेंगे, फिलहाल अभी चलो। फिर गुल्ली बुल्ली ब्रिज के ऊपर से ये भयानक आग का दरिया पार करने लगता है, पर इस ब्रिज की हालत इतनी खराब है कि कभी भी ये टूट कर गिर सकता है, इसीलिए गुल्ली बुल्ली को बड़ी सावधानी से ब्रिज को पार करना होगा। ये किया, गुल्ली तो फिसल गया। बुल्ली बुल्ली हाथ पकड़ के खींचो मेरा, मैं गिर जाऊंगा। बुल्ली बुल्ली खींचो मुझे, बुल्ली खींचो, जल्दी खींचो। रुको बुल्ली, मैं तुम्हें बचा लूंगा, रुको पकड़ के रखो बुल्ली, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जो भी हो, गुल्ली ने गुल्ली को बचा लिया। इस आग के दरिये को पार करते ही गुल्ली बुल्ली के सामने था एक अनोखी पिरामिड महल। तभी गुल्ली बुल्ली तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे वो आग का दरिया गायब हो चुकी थी। उस पिरामिड महल को देखते ही गुल्ली बुल्ली समझ गए, हो ना हो मम्मी ने सोन और डेविड को यही लेकर आई है, इसीलिए गुल्ली बुल्ली भी महल की तरफ बढ़ने लगे। पर गुल्ली बुल्ली को नहीं पता अंदर जाकर उन दोनों को कितना बड़ा झटका लगने वाला है।
पिरामिड महल के अंदर जाते ही गुल्ली बुली को फिर से मम्मियाँ घेर लेती है और दोनों को बंदी बनाकर पिरामिड के राजा के पास ले जाने लगती है। पर पिरामिड के राजा को देखकर गुल्ली बुल्ली की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि राजा कोई और नहीं अपना पॉटी बॉय सॉन है। सॉन कहने लगा, ये दोनों को लेकर जाओ और कारागार में बंद कर दो। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली की पैरों तले जमीन घिसक गई। गुल्ली बोला, सोन ये तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? मगर सोन को तो कुछ याद ही नहीं है कि गुल्ली बुल्ली उसके दोस्त है, क्योंकि मम्मियों ने सोन को हिप्नोटाइज कर दिया है। उसे सिर्फ ये याद है कि वो पिरामिड महल के राजा है। और इधर दो मम्मी गुल्ली बुल्ली को कारागार में बंद कर देता है। पिरामिड की मम्मियाँ गुल्ली बुल्ली को कैद खाने में बंद कर देता है। गुल्ली गुल्ली अब पिरामिड महल के केक खाने में बंद हो चुका है। गुल्ली कहता है, ये क्या बाला है गुल्ली, सोन मम्मिया का राजा कैसे बन गया और सोन हमें पहचान क्यों नहीं रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बुल्ली, आखिर ये हो क्या रहा है? बुल्ली कहता है, समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा गुल्ली, पर हमें शांति बरसना होगा, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। और यहाँ से निकलते ही हम अपने सारे सवाल के जवाब ढूंढेंगे, और फिर हमें डेविड को भी तो ढूंढना है। गुल्ली गुल्ली ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से किसी की खांसने की आवाज़ आती है। अरे ये आदमी कौन है, गुल्ली बुल्ली तो इसे देखा ही नहीं था। गुल्ली बुल्ली उस आदमी के पास जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं, अरे आप कौन है और आप यहाँ कैद क्यों है? गुल्ली बुल्ली उस आदमी से पूछताछ कर ही रहा था कि तभी वहां फिर से मम्मियां आ जाती है। पर ये मम्मियां आखिर क्या कर रही है? अरे ये मम्मियों ने क्या कर दिया, ये कैद खाने की दो दीवार आपस में जुड़ रहा है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को जल्दी इस कैद खाने से निकलना होगा, कहीं अगर गुल्ली बुल्ली इस दो दीवार के बीच में दब गया तो फिर गुल्ली बुल्ली और इस अंकल का भर्ता बन जाएगा। ये देखकर गुल्ली कहता है, कैद खाने की दो दीवार तो आपस की तरफ जुड़ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली गुल्ली को हौसला देते हुए कहता है, फिकर मत करो गुल्ली, ये दो दीवार जुड़ने से पहले ही हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी वो आदमी कहता है, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे, क्योंकि ये दो दीवार जुड़ते ही हमारा कचुम्बर बन जाएगा। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली की जैसे होश ही उड़ गया। बुल्ली बोला, जल्दी रास्ता ढूंढो गुल्ली, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। अरे ये क्या, केक खाने से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, छत पे सिर्फ एक छोटी सी छेद है जिससे निकल पाना नामुमकिन है। अभी तो जैसे गुल्ली गुल्ली की दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या होगा गुल्ली गुल्ली और इस आदमी का। अरे गुल्ली की हाथ में क्या है, ये तो पिन है, लेकिन गुल्ली इस पिन को लेकर क्या करने वाला है? गुल्ली आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, कोई रास्ता ढूंढो, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। अरे ये क्या, गुल्ली ने तो केक खाने की ताला खोल दी, सब जल्दी बाहर निकलो। अच्छा हुआ गुल्ली ने एन वक्त में ताला खोल दी, क्योंकि अगर ताला खोलने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो फिर गुल्ली गुल्ली और उस आदमी का कचुम्बर बन जाता। बुल्ली बोला, आखिर ये तुमने कैसे किया गुल्ली, ये ताला खुला कैसे? गुल्ली बोला,
एक छोटी सी पिन से बुल ले। तभी वो आदमी कहने लगा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों की वजह से आज मैं इस कैद खाने से निकल पाया हूँ। इस कैद खाने में ना जाने में कितने बरसों से रह रहा हूँ, पर तुम दोनों कौन हो? मैं हूँ बुल्ली और ये है गुल्ली। फिर वो आदमी कहने लगा, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा गुल्ली गुल्ली, पर हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, मम्मिया किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। बुल्ली बोला, तो जल्दी यहाँ से निकलते हैं और हमें डेविड को भी ढूंढना है। और फिर गुल्ली गुल्ली और वो आदमी कैद खाने से भागने लगता है। और सारी मम्मियाँ इस बात से खुश थे कि वो लोग ख़त्म हो गए होंगे। अरे ये क्या, बाबा के घर की तरफ ये कौन सी गाड़ी जा रही है? आखिर कौन है इस गाड़ी में? और इधर गुल्ली गुल्ली और वो आदमी महल से भाग ही रहे थे। अरे ये क्या, सामने से एक मम्मी आ रहा है। अच्छा हुआ मम्मी ने गुल्ली गुल्ली को नहीं देखा, बाल बाल बचा, वरना अभी तो पकड़े ही जाते। अब क्या होगा, क्योंकि ये मम्मी तो इधर ही आ रहा है। गुल्ली गुल्ली को जल्दी यहाँ से भागना होगा। अरे सामने से मम्मियाँ आ रहा है, पीछे से भी मम्मियाँ आ रहा है, आखिर गुल्ली गुल्ली भागेगा किधर? और लगता है मम्मियों ने गुल्ली गुल्ली और जॉर्ज को देख भी लिया है, अब इन तीनों का खैर नहीं। लेकिन ये क्या, ये कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही है? और इस आवाज को सुनकर सारे मम्मियां वापस जाने लगी। और मौका मिलते ही गुल्ली गुल्ली पास में ही एक कमरे के अंदर जाकर छुप जाते हैं। पर ये किया, एक मम्मी तो इसी कमरे की तरफ आ रहा है, शायद कमरे में कुछ सामान लेने आई है। अरे ये किया, गुल्ली गुल्ली और जॉर्ज तो इसी कमरे में दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। पर तीनों को तब तक ऐसे ही छुपे रहना होगा जब तक ये मम्मी कमरे से बाहर ना चली जाए। कुछ देर बाद वो मम्मी सामान लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। मम्मी के चले जाने के बाद गुल्ली गुल्ली और जॉर्ज कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, पर इन सबको नहीं पता कि मम्मी जाते वक्त बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया है। गुल्ली गुल्ली अंदर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजे को नहीं खोल पाता। तभी गुल्ली कहता है, गुल्ली इस दरवाजे को तो मैं खोल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है गुल्ली, मम्मी ने जाते वक्त दरवाजा को बाहर से लॉक कर दिया है। तब जॉर्ज कहने लगता है, फिकर मत करो गुल्ली गुल्ली, यहाँ से बाहर निकलने का एक और रास्ता है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। फिर जॉर्ज गुल्ली गुल्ली को कमरे का खुफिया रास्ता दिखाता है। और कहने लगता है, चलो गुल्ली गुल्ली यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि मम्मी फिर से यहाँ पे आ जाए। गुल्ली गुल्ली खुफिया सुरंग के तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी गुल्ली किसी चीज से टकरा जाती है और कमरे में रखा कुछ चीजें गिर जाता है। तभी गुल्ली गुल्ली को एक ऐसी चीज दिखाई देता है जिसे देखकर गुल्ली गुल्ली की होश ही उड़ जाता है। और फिर तभी कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कोई कमरे में आ रहा है। ये सुनकर गुल्ली बोला, बुल्ली जॉर्ज फौरन यहाँ से निकलो। मम्मी दरवाजा खोलने से पहले गुल्ली गुल्ली और जॉर्ज खुफिया सुरंग में घुस जाते हैं। बाहर निकलते ही जॉर्ज कहता है, गुल्ली गुल्ली चलो यहाँ से डेविड को बड़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ खुफिया रास्ते से ही जाएंगे। तभी बुल्ली कहता है, वो सब तो ठीक है जॉर्ज, लेकिन तुम्हें इस महल के बारे में इतना सब कैसे पता? और उस कमरे में सोन की तस्वीर कैसे? और सोन इस महल का राजा कैसे बन गया, तुम्हें कुछ पता है? गुल्ली कहता है, हाँ जॉर्ज अगर तुम्हें पता है तो हमें बताओ। तभी जॉर्ज कहने लगा, शांत हो जाओ गुल्ली गुल्ली, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। दरअसल मैं हूँ इस महल का राजा जॉर्ज, और तुम्हारे दोस्त सोन का चेहरा फूकू से हूबहू मिलता है, जो इसी महल में रहता था अपने पत्नी राजिया के साथ। फूकू और राजिया इस महल का राजा रानी बनना चाहते थे, इसीलिए दोनों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और मुझे कैद खाने में बंद करवा दिया, और फिर उन दोनों ने इसी महल में कब्जा कर लिया।
लेकिन एक रात किसी गुप्त सैनिक ने फूकू का खून कर दिया और इसीलिए राजिया भी अपनी जान दे दी और मम्मी बन गई। पर शायद सोन ने गलती से वो मौत का किताब पढ़ लिया होगा, इसीलिए मम्मी सोन को फूकू समझकर यहां ले आई और उसे हिप्नोटाइज करके अपने बस में कर ली। शायद इसीलिए सोन हमें पहचान नहीं पा रहा है। हाँ गुल्ली बुल्ली, हमारे पास कल सुबह तक का वक्त है। अगर सोन का याददाश्त वापस नहीं आया तो सोन हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया में कैद हो जाएगा। तो फिर जल्दी चलो जॉर्ज, हमें डेविड को ढूंढने के बाद सोन का याददाश्त भी वापस लाना है। हाँ गुल्ली बुल्ली चलो, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाता हूँ। ये देखो गुल्ली बुल्ली, ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये एक जादुई तलवार है। उठा लो गुल्ली बुल्ली, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। हमें डेविड के पास ले चलो जॉर्ज, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। और हाँ जॉर्ज, हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हारे महल वापस लौटाने में हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे पता है गुल्ली बुल्ली, डेविड को उन लोगों ने कहाँ पर छुपा के रखा होगा। आओ मेरे साथ। और फिर जॉर्ज गुल्ली बुल्ली को लेकर डेविड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। डेविड तक पहुंचते ही डेविड को देखकर गुल्ली गुल्ली हैरान हो जाते हैं। गुल्ली कहता है, ये क्या बाला है गुल्ली, इतने सारे डेविड, इनमें से हमारा डेविड कौन सा है। तभी गुल्ली जॉर्ज से पूछता है, आखिर कैसे पता लगेगा जॉर्ज कि इनमें से हमारा असली डेविड कौन सा है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है गुल्ली बुल्ली, मैंने जो सोचा था ये तो उससे भी बड़ा मुसीबत है। मुझे नहीं पता गुल्ली बुल्ली, पर तुम्हें असली डेविड को पहचानना होगा और इस आईने को तोड़ना होगा, और ये तुम्हें एक ही बार में करना होगा। गुल्ली बुल्ली, अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो डेविड को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। ये तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत है बुल्ली। तो बुल्ली जादुई तलवार से असली डेविड समझकर एक आईने पर वार करने जा ही रहा था कि तभी गुल्ली कहता है, रुक जाओ बुल्ली, तुम्हें तो पता ही है हम सिर्फ एक ही आईने पर एक ही बार वार कर सकते हैं। तो कहीं अगर ये असली डेविड ना होकर उसकी परछाई निकली तो हम डेविड को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। बुल्ली कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया, पर अब हम करें तो क्या करें, आखिर असली डेविड को हम पहचानेंगे कैसे। तभी जॉर्ज कहता है, हमें हर आईने पर गौर करना होगा गुल्ली बुल्ली, हो ना हो हमें कुछ ना कुछ सुराग मिल ही जाएगा। फिर गुल्ली बुल्ली और जॉर्ज हर आईने को बारीकी से अच्छे से देखने लगा, पर क्या गुल्ली बुल्ली को सुराग मिलेगा, पता नहीं क्या होगा डेविड का। तभी गुल्ली जोर जोर से बुल्ली और जॉर्ज को बुलाने लगता है। क्या हुआ गुल्ली, आखिर तुम ऐसी चिल्ला क्यों रहे हो। बुल्ली जॉर्ज, ये देखो यही हमारा असली डेविड है। तुम्हें कैसे पता गुल्ली कि यही हमारा असली डेविड है। बुल्ली जॉर्ज, ये देखो सांस लेने की हवा, जो और किसी आईने पर नहीं है। मैं बहुत समझदार हूँ, आगे समझाने की कोई जरूरत नहीं है गुल्ली, यही हमारा असली डेविड है। फिर गुल्ली अपने जादुई तलवार से उस आईने पर वार कर देता है और डेविड आईने की कैद से आजाद हो जाता है।
तुम दोनों ने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं कब तक मैं इस जादुई आईने में कैद रहता। फिकर मत करो डेविड, हमारे रहते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें यहाँ से निकलना होगा डेविड, क्योंकि तुम्हें पता नहीं सोन के साथ क्या हुआ है। हमें सोन को भी मम्मी की कैद से रिहा करना है। लेकिन अगर इन सबको सोन की यादाश्त वापस लानी है तो सबसे पहले इन सबको सोन तक पहुंचना होगा, और ये काम इन सबको बड़ी सावधानी से करना होगा, वरना कहीं अगर मम्मीज ने इन सबको देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इधर सोन, जो अभी खुद को पिरामिड महल का राजा समझ रहा है, वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी गुल्ली गुल्ली जॉर्ज और डेविड सोन के सामने आ जाता है। इन चारों को देखकर सोन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मम्मीज ने बताया था इन सब का काम तमाम हो चुका है। और सोन यही सोच रहे होते हैं कि ये सब अभी तक जिंदा कैसे है, और तभी सोन गुस्से से मम्मी को बुलाने लगता है। सोन और चिल्लाए, इससे पहले ही चारों मिलकर सोन को उठाकर कमरे में ले जाते हैं, ताकि सोन को अच्छे से समझा सके कि वो इस पिरामिड महल का राजा नहीं है, गुल्ली बुल्ली का दोस्त पॉटी बॉय सोन है। लेकिन सोन किसी की एक नहीं सुनता, बस चिल्लाते ही रहे। और इधर आवाज़ें सुनकर मम्मी भी आ जाती है और दरवाज़ा ठकठकाने लगती है। और आखिरकार सारी मम्मियों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ देती है, और फिर गुल्ली बुल्ली और सभी को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी सोन गुस्से से कहता है, अब मैं तुम सबको ऐसी मौत दूंगा जो तुम सबने कभी सोची भी नहीं होगे। मम्मियां, इन सबको मेरे राज दरबार में पेश करो। और फिर कुछ देर बाद मम्मीज ने इन चारों को सजा के लिए सोन के सामने पेश करता है। सोन इन सब को सजा सुनाने जा ही रहा होते हैं कि तभी वहाँ पिरामिड महल की रानी राजिया भी आ जाती है। रानी राजिया कहती है, इन सब को तुम नहीं मैं सजा दूंगा, क्योंकि ये चारों मेरे भी दुश्मन है। फिर रानी राजिया इन सबको ऐसी दर्दनाक मौत की सजा सुनाता है जो किसी की भी रूह कांप उठे। सजा के मुताबिक मम्मी चारों को ले जाती है और टांग देती है मगरमच्छ से भरी हुई एक तालाब के ऊपर। सबको नीचे गिराने के लिए एक मम्मी रस्सी को काटने जाती है। एक तरफ ये मम्मी सबको नीचे गिराने के लिए रस्सी काट रही होती है, और दूसरी तरफ सारे मगरमच्छ इन सबको खाने के लिए बहुत बेताब है। अरे ये क्या, मम्मी ने तो रस्सी काट दी। लेकिन तभी बाबा बिल्कुल सही वक्त पर आ जाता है, और इधर बाबा को देखकर राजिया कहती है, मम्मिया खत्म कर दो इसे। ये कहकर राजिया सोन को लेकर वहां से भागने लगती है, और फिर शुरू हो जाता है बाबा और मम्मियों के बीच खतरनाक लड़ाई। किया बाबा ने तो सभी मम्मियों को जमीन के अंदर भेज दी। और ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली डेविड और जॉर्ज बहुत खुश हुए।
बाबा अच्छा हुआ आप सही वक्त पे आ गए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। पर आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? अरे बुल्ली, मैं ही बाबा के घर पे चिट्ठी छोड़ी थी ताकि बाबा जब भी घर आए हमारे बारे में बाबा को सब कुछ पता चल जाए। तभी बाबा कहने लगा, ये सब छोड़ो गुल्ली गुल्ली, पहले बताओ सोन मिला या नहीं। बाबा हमें सोन तो मिल गया, पर मम्मियों ने सोन को हिप्नोटाइज कर दिया है, उसे हमारे और अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, डेविड कहा। पर गुल्ली बुल्ली, सोन तो यहाँ है ही नहीं, गुल्ली बोला। अरे हाँ, पर सोन गया कहाँ? तब जॉर्ज कहा, मुझे लगता है सोन को राजिया उठाकर ले गई है, और मुझे पता है वो सोन को कहाँ ले गई होगी, गुल्ली बोला। ऐसा है जॉर्ज, तो तुम फौरन हमें वहाँ ले चलो। ठीक है, आओ मेरे पीछे। वहां जाकर सबने देखा राजिया एक जादुई रोशनी के अंदर किताब को पढ़ रहा है और सोन उसके सामने बैठा हुआ है। बाबा जॉर्ज से पूछने लगा, राजिया आखिर क्या कर रही है सोन के साथ? तभी जॉर्ज ने बताया, मुझे लगता है सोन का याददाश्त कभी वापस ना आए, उसके लिए रानी राजिया ये मंत्र पढ़ रहा है। तो फिर ठीक है जॉर्ज, मैं अभी इस राजिया के दिमाग को ठिकाने लगाता हूँ। अरे ये क्या, बाबा और राजिया के बीच लड़ाई शुरू हो गई? और फिर बाबा अपने जादुई शक्तियों से राजिया को उठाकर पटक देता है। बाबा जल्दी से इस किताब को पढ़िए, तभी हम सोन को बचा पाएंगे। अरे ये किया, सब कुछ तो फिर से पहले जैसा होने लगा। तो आखिरकार बाबा ने मम्मी को फिर से उसके ताबूत के अंदर कैद कर दिया, और इधर सोन का भी याददाश्त लौट आया है। फिर जॉर्ज कहने लगा, बाबा गुल्ली बुल्ली डेविड, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ अपने दुनिया में, अलविदा दोस्तों। एक है तो जॉर्ज वहाँ से गायब हो गया।